अब देखिए उनकी मर्जी है, अगर चाहे तो उजाड़ सकते हैं, चाहे तो बसा सकते हैं। घर तो ऐसे ही चल रहा है, अब तो लगता है चोरी डकैती करे और क्या करे। कितना कमाई होगा, 100-200 होता ही, बस 100-200 में चल जा रहा है घर। कैसे क्या करे, मेरा नाम राजा सिंह। अच्छा, यहाँ पे आपका भी दुकान था जी, और टूट गया वो जी। तो क्या कर रहे हैं अब, अपने घर चलाने के लिए, पेट पालने के लिए क्या कर रहे हैं अब आप? क्या करेंगे सर, ऐसे बैठे हुए हैं, बस बैठे हुए हैं, गरीब आदमी क्या कर सकते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनका भी दुकान था पहले, और कैसे टूटने के बाद ऐसे झोपड़ी लगाकर ये मजबूर है ऐसे बेचने के लिए। कमा खा रहे हैं इसी, क्या करेंगे, और कुछ चारा नहीं है, 4 बाल बच्चा है, उसी इसी से पोसना था, वो सब खत्म हो गया। अच्छा, और कुछ चारा नहीं। कैसे, कितना कमाई हो जा रहा है अभी दिन का? कितना कमाई होगा, 100-200 होता ही, बस 100-200 में चल जा रहा है घर। कैसे क्या करें, क्या करें, मजबूरी है, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है सर जी। अच्छा, तो क्या लगता है अब सरकार कुछ भी मदद नहीं की, कुछ भी मुआवजा, कोई मदद नहीं जी? नहीं, कुछ नहीं। तो आप लोग सभी सरकार से बात नहीं की, आवाज नहीं उठाए, कुछ भी नहीं? एक आदमी कोई आवाज कैसे उठाएगा, जब तक कोई आदमी 10 आदमी साथ। यहाँ से अभी हमने जितना ही बात की, वहाँ से लेकर यहाँ तक सबका सेम समस्या है, तो आप लोग एक साथ क्यों नहीं आवाज उठाए इस चीज को लेकर? अगर सब मिलकर एकजुट होगा तभी ना आवाज उठाया जाएगा। एकता नहीं है, एकता नहीं है। अच्छा, एकजुट जब तक नहीं होइएगा तो आवाज कैसे, एक उठा के क्या कीजिएगा? एक आदमी से तो नहीं होगा, जब तक आप लोग एक साथ नहीं मिलेगा, एक साथ नहीं होगा तब तक नहीं होगा। नहीं होगा तो बात तो उतना ही है जी। बाकी रह गया कि हम लोग गरीब आदमी, कोई साधन नहीं, यही साधन था जिससे हमारा बाल बच्चा, पेड़ा बेच कर ही आप लोग अपना घर चला रहे थे, और वो भी ठप पड़ गया जी। ठप पड़ गया तो कुछ है ही नहीं है, अब कुछ बचा ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं, नहीं हम लोग के पास कोई जर जमीन है। ये कंस्ट्रक्शन की वजह से और भी काम बिल्कुल ठप पड़ गया जी, एकदम। एक भी ग्राहक नहीं पहुँच रहा है, कुछ नहीं जी। तो अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से इस मामले में? सरकार से यही कहें, हम लोग के रोजी रोजगार मिल जाए, और क्या कहना चाहेंगे, जिसमें आदमी जिए जी, हमारा बाल बच्चा कैसी हो, उसका पोषण पालन, यही कहना चाहेंगे। अभी क्योंकि सुनने में उधर का भी सब तोड़ दिया जाएगा, अभी और भी तोड़ दिया जाएगा, अभी तोड़ जाएगा, हमारा घर था कैसे कैसे बनाए हैं। अच्छा, एक का कैंटा जोड़ के उसको भी तोड़ने के लिए आदमी लगा हुआ है, वो भी तोड़ दिया जाएगा, उसको भी तोड़ दिया जाएगा जी। तो फिर आप लोग कहाँ जाइएगा, क्या करेंगे फिर, कनू चल जाएगा तो कोई सारा है। हाँ, तो जैसा कि आप देख सकते थे कि यहाँ पे कितना ज़्यादा घर इनका तोड़ दिया गया है, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। बस हमारी सरकार से यही विनती है, यही मांग है कि इनको मुआवजा दिया जाए, इनको रहने के लिए दिया जाए, ये लोग कहाँ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या आपका दुकान है स्थानीय? जी हाँ, दुकान था, टूट के चल गया, घरे लेके चले गए, घर लेके चले गए। अच्छा, यहाँ पे फिर आप दुकान नहीं खोले दोबारा? फिर कहाँ खोलेंगे सर, रोड पर यहाँ जगह नहीं तो कहाँ खोले। अच्छा, दोबारा बस ऐसे ही, कैसा घर कैसे चल रहा है आपका? घर तो ऐसे ही चल रहा है, अब तो लगता है चोरी डकैती करें और क्या करें, चोरी डकैती कीजिएगा, क्या करें। अच्छा, सरकार से आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते, एक साथ यहाँ पे इतना सारा समस्या है, एक साथ सब एकता में बल है, आप लोग एक साथ मिलकर बात कीजिए ना, क्यों नहीं करते? हम लोग तो रोड जाम कर दिए थे, सरकार कहे इसकी कोई उपाय नहीं है, आपको हटना ही होगा। अरे हटना ठीक है, ये नहीं है कि हटना होगा, ठीक है अगर यहाँ पे प्रगति हो रहा है, हमारा बिहार शरीफ आगे बढ़ रहा है, ये तो ठीक है, बात यह कि कुछ तो मुआवजा देना चाहिए ना आप लोग को। कहाँ मुआवजा दे रही सरकार, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे रहने के तो व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, घर जो टूट गया उसका व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, और मुआवजा दे रहे हैं कहाँ, तो कुछ भी नहीं कर रहे थे, कुछ, नहीं, कुछ नहीं। तो देना चाहिए कि हाँ आप लोग यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर जाइए। वही तो हम लोग कह रहे थे कि सर हम लोग रोजी रोजगार चल गया था, कहीं स्थायी जगह दीजिए। हाँ, स्थायी जगह देना चाहिए, कोई नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, बस अपना काम है कर ले रहे हैं, बाकी कुछ नहीं, कुछ नहीं। मतलब देखिए आप, यहाँ पे इनका घर कैसे तोड़ा गया, पहले यहाँ से पूरा घर को हटा दिया गया था, यहाँ से जितना भी है वहाँ से पूरा घर को हटा दिया गया था, उस साइड आप देख सकते हैं उस साइड भी घर को तोड़ दिया गया था, मगर अब ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ से लेकर वहाँ तक जो आप घर देख सकते हैं इसको भी पूरा तोड़ दिया जाएगा। अब तोड़ दिया जाएगा तो जो लोग यहाँ बहुत सालों से बसे हुए हैं, जो लोग यहाँ बहुत दिन से रह रहे हैं, तो वो लोग कहाँ जाएंगे, वो अपना पेट कैसे चलाएंगे जी? बोलिए, क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं कि आपकी संपत्ति है, ठीक है जी। लेकिन जो हमारा घर है, ईटा का कम से कम दाम मिलना चाहिए, इस गरीब को जाएगा तो कहाँ जाएगा जी। हमारा यही दाल रोटी है, अगर इससे भी उजाड़ दीजिएगा तो हम लोग किस जगह पर जाएंगे। तो अच्छा, आप लोग ये बताइए, पहले कितने दिन से आपका दुकान है, अब कितने साल से? ये मेरे लॉकडाउन से है। नहीं, कितने साल से आपका दुकान है? 2 साल हो गए। 2 साल से दुकान है आपका? पहले हम लोग ट्रेन में थे। अच्छा। पेंटी कार में थे। अच्छा, उसके बाद लॉकडाउन लगने के बाद हम लोग आए। अच्छा, तो ये आपका घर यहाँ पे और आगे तक आपका घर था, ये तोड़ दिया गया? हाँ, ये यहाँ पर तक जमीन था मेरा, वहाँ पर था, यहाँ पे तोड़ दिया गया। सुनने में इधर भी टूट जाएगा फिर से? अब देखिए उनकी मर्जी है, अगर चाहे तो उजाड़ सकते हैं, चाहे तो बसा सकते हैं जी।
और हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, अपने रहने खाने का इंतजाम क्या क्या? अब तो सरकार के हाथ में, मेरे हाथ में तो है नहीं कुछ, हम लड़कर झगड़ कर सकते हैं। अच्छा, तो आप सरकार से क्या मांगे? हमारा यही है कि हमारा कम से कम मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि हमको कहीं पर या तो बसा दिया जाए और हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे आप देख सकते हैं कि कैसे गरीब, यहाँ पे पेड़ा देखिए आप, ये पेड़ा बेच बेच कर यहाँ पे अपना गुजारा करते हैं, और तब इनका घर ऐसे तोड़ दिया गया है, इनको ऐसे उजाड़ दिया गया है, तो फिर ये कहाँ जाएंगे और कैसे जिएंगे? यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम घर आपको टूटा फूटा मिल जाएगा, यहाँ पे जितना ज़्यादा घर है यहाँ पे सारे को आगे से तोड़ दिया गया, और कहने को सुनने को मिल रहा है कि यहाँ पे और भी है, जो यहाँ तक घर है उसको भी तोड़ दिया जाएगा, पीछे तक बिल्कुल उसको भी तोड़ दिया जाएगा, तो ये लोग कहाँ जाएंगे और कैसे रहेंगे? जी सरकार अभी कह रही है 10 फीट और लेने को। अच्छा। जो 10 फीट में सारे मुस्लिम लोग यहाँ से चले जाएंगे, टूट जाएंगे, किसी के पास रहने का व्यवस्था नहीं है, गरीबता है सारे लोग के पास, पेड़ा बेच के सारे लोग जिंदगी काट रहे हैं, कहाँ जाएंगे किसी को समझ ही नहीं आ रहा, उधर सब तोड़ ताड़ के खत्म कर चुका है मुस्लिम लोग, मतलब इधर जितना इलाका है सारे यहाँ से लेके वहाँ तक मुस्लिम का नुकसान है। अच्छा। यहाँ किसी और गैर मुस्लिम का यहाँ पर नुकसान नहीं है, यहाँ से जितना वहाँ से आप देख रहे हैं सारे घर, यहाँ से मस्जिद तक का। अच्छा। सारे लोग मुस्लिम का यहाँ पर घर है इधर, और रोड के उस पार हिंदू का, रोड के उस पार तालाब है। अच्छा। जो कि गर्मजरुआ जमीन में तालाब है। हाँ। वहाँ पर और ये सब वगैरह जो होटल वगैरह है एक तो वो भी गर्मजरुआ में है, और उधर रहती में सारे हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मुस्लिम पे ही ज्यादा ये किया जा रहा है? जी। अच्छा। जी बट बगल में हिंदू का भी तो है, उनका भी तो टूट रहा है। उन लोगों का नुकसान है, बहुत कम नुकसान है। अच्छा। यहाँ सारे मुस्लिम का यहाँ तक का नुकसान है। अच्छा। हाँ, गैर मुस्लिम का नुकसान बहुत कम है, इसलिए गैर मुस्लिम रोड पे है ही नहीं है। अच्छा। यहाँ शुरू से दादे जमाने से बापे जमाने से यहाँ सारे मुस्लिम लोग रोड पे रहते हैं, यहाँ पे सब लोग बसे हुए हैं। इतिहास यहाँ का है, पुराना उठा के देख लीजिए आप लिस्ट में, यहाँ परेशानी बहुत है। हम डीएम साहब से चाहते हैं कि हम लोगों को सुरक्षा दें, सारे लोगों का झोपड़ी का मकान हो चुका है, बरसात का दिन आ चुका है, पानी चूता, रहने को छत नहीं है, इंसान को रहने खाने का बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी है। घर में 3-3 को बेटियां हैं, 4-4 को बेटियां हैं, उन लोगों को रहने का परेशानी है, बाथरूम की परेशानी इंसान को होती है, मस्जिद में हम लोग जाते हैं। अच्छा। बहुत परेशानी है, परेशानी हम सरकार को जितना जाहिर करें बहुत कम है। जी। सरकार हमारी परेशानी को समझ सकते हैं तो समझ जाए, हम सरकार से तो अपनी चाहत तो रखेंगे ही, क्योंकि हम उसको वोट देकर जिताए हैं। अब वोट देते हैं तो आप लोग ये भी तो कीजिएगा ना कि हाँ हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दें। जी, हम सरकार से चाहते हैं कि मुझे जितना जितना हो सुविधा मुझे डीएम साहब दें अपने ज़िले के। जी। मेरे ज़िले के जो विधायक जी हैं वो हमारी सहयोग करें, आकर देखें, नहीं इतना तक को देखते नहीं आकर के, उनको तो वोट के समय वोट लेना है, अपना देख के चले गए, वोट लेकर चले गए। आप लोग आवाज़ नहीं उठाए सब मिलकर, यहाँ पर उधर का भी है इधर का भी, सब लोग एक साथ एप्लीकेशन क्यों नहीं लिखे? एप्लीकेशन लिखने से कोई होता नहीं है, और प्लस हमारे गाँव के मुखिया जी हैं वो सुनते भी नहीं जल्दी। कौन है मुखिया? मुखिया हमारे यहाँ रंजित मुखिया हैं, पिचासा के, जो कि मोसेपुर के। अच्छा। हाँ, उनको आगे देखना चाहिए इस गांव का हालात, उनको देखना चाहिए, अगर वो जीते हैं यहाँ से तो उनको भी देखना चाहिए। यहाँ उन लोगों की आबादी कम है, संख्या पढ़े लिखे कम है। अच्छा। कुछ लोग रहते हैं जहाँ तहाँ अपने रोजी रोजगार के लिए विदेश में रहते हैं, और इधर उधर सब लोग रहते हैं, कमाने खाने के लिए आदमी तो कहीं जाना तो है ही है ना। जी जी। जो पढ़े लिखे लोग हैं सब बाहर चले गए, गंवार लोग गाँव में रह के क्या कर पाएंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जिसको एक एप्लीकेशन लिखने का ढंग नहीं है वो क्या कर पाएंगे? बस यही परेशानी हमारी कि डीएम साहब से चाहते हैं कि हमारा आके कुछ भला करें, बरसात का दिन है, बरसात के दिन बहुत परेशानी होती है, रोड पे देखिए चलने का आदमी को, शादी ब्याह होता है जाने में बहुत परेशानी होती है, जो रोड पे सारे लोग गिर जाते हैं। अभी कल हमारी मम्मी गिर गई है रोड पे। अच्छा। जो कि 6 महीने से बीमार है खटिए पे। ओके। कल रोड पे गिर गए हैं, उनको पैर में पूरा मोच आ रखा है, अब क्या कहें हम, बताइए। बहुत सारी समस्या, बगल में नाला है, नाला कम से कम बना दिए होते हैं सरकार तो, नाला बनाने के बाद हमारी कम से कम घर द्वार का जो 10,000-50,000 होता है उसको लगा कर अपना सुरक्षा करते हैं। गंदगी और बीमारी अलग से आ रही है, गंदगी अलग बात, बीमारी इतनी होती है, मच्छर दुनिया। अभी इतनी मोटी सी बात मान लीजिए, कल हमारे यहाँ लाइट कट गई तो कल रात से 9 बजे रात से लाइट हमारे यहाँ नहीं है, बारिश में लाइट का बहुत दिक्कत, इतना लाइट की कल हम लोग बस 10 लड़का रात भर सारी रात बैठ कर गुजारे उस जगह पे, कितना बारिश हुआ, बारिश भी हुआ, लाइट कट गई, लाइट अभी तक नहीं आई, कल से अभी तक कोई लाइट नहीं आई है, एक दफा भी नहीं, काम भी नहीं होता है, क्योंकि नगर निगम में नहीं, जो नगर निगम में रहता है उसकी सुनवाई होती है कि हम लोग बिल नहीं देते हैं, हर महीने होती है, बिल लेने के लिए अपनी पहुंच जाती है सरकार का आदमी। हाँ, तो जैसा कि एक मिनट, हाँ तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे, हमने अभी तमाम लोगों से बात की, यहाँ पे जितने भी स्थानीय दुकानदार थे, जो लोग पेड़ा बेच कर पहले अपना घर चलाते थे, पेड़ा बेच कर ही अपना भरण पोषण करते थे, अपना पेट काटते चलाते थे, और उन लोगों को अभी देख सकते हैं कितना ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, कितना ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं उनको। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे बगल में, मेरे पीछे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक है, और अभी जैसा कि आपको मालूम है कि बरसात का मौसम चल रहा है, यहाँ पे बरसात ही बरसात है। आप यहाँ का मौसम का हाल देखिए, यहाँ पे रोड का हाल देखिए, कितना ज़्यादा
कितना ज्यादा दिक्कत है यहाँ पे, आदमी चल नहीं पा रहा है। अब बताइए इतना ज्यादा मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। और ये तो शायद मेरे ख्याल से पूरे बिहार शरीफ का ये प्रॉब्लम है कि बारिश में लाइट कट जाती है तो लाइट दो दो तीन तीन दिन तक नहीं आता है। ये तो कम से कम पूरे बिहार शरीफ का ही ये हाल है। यहाँ पे रोड का हाल भी आप देख सकते हैं इतना ज्यादा। तो ये लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जितने भी गरीब लोग हैं ये लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे और कैसे रहेंगे? तो सरकार को कुछ ना कुछ मुआवजा देने की जरूरत है, इन पर ध्यान देने की जरूरत है। बस आज के इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरा पर्सन विश्वजीत के साथ मैं निशा भाट 24/7।